गांव में ना ऐसे नुकसान हो जाता है किसान का। अब देखो ईख में आग लग गई और यहाँ से हमारे खेत भी दिख रहे हैं ना विमल। देखो हमारे घर के पीछे क्या हरियाली है यार। चाचा के सबसे ऊपर छत पे जा रहा हूँ गाइस, मैं दिखाऊंगा पूरा गांव दिखता है हमारे चाचा के घर से। वो वाला हमारा घर है जिसपे अभी इधर की साइड प्लास्टर नहीं हो रहा है, प्लास्टर से लेके पीछे व्हाइट वाले तक। तो गाइस ये मेरे चाचा का बेटा है, इसकी आईज दिखाऊंगा आपको और मेरी देखो, मेरी है थोड़ी डार्क ब्राउन। प्रिंस दिखाइयो तू, इसकी इसमें शर्ट में मैच हो रही है। प्रिंस हटाइयो हाथ, दिखा जल्दी, मैं जल्दी दिखा, एक बार दिखा यार। चाचा के सबसे ऊपर छत पे जा रहा हूँ गाइस, मैं दिखाऊंगा पूरा गांव दिखता है हमारे चाचा के घर से। ये देखो अभी और ऊपर है, थक गया मैं तो, देखना क्या शोर चिड़ियाओं का। देखो पूरा गांव दिख रहा है, सबसे ऊंचा घर हमारे चाचा का ये गांव में। ये देखो आसपास के घर, ये देखो यहाँ पे और पानी की टंकी बन गई है अब। और यहाँ से फ्रंट से दिखाऊंगा, वो वाला हमारा घर है जिस पे अभी इधर की साइड प्लास्टर नहीं हो रहा है, प्लास्टर से लेके पीछे व्हाइट वाले तक। और देखो सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, चिड़ियों की आवाज़ सुनो गांव की, क्या बढ़िया यार, मस्त फीलिंग है ना, इतनी अच्छी आ रही है, इतनी अच्छी आ रही है। और ये भी कभी कभी आने पे आती है, मतलब डेली आप रहो तो आपको एक आदत सी हो जाएगी, लेकिन कभी कभी आओ ना, इतना शांति, चिड़ियाओं की आवाज़, हरियाली देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। देखो गाँव में ना ऐसे नुकसान हो जाता है किसान का। अब देखो ईख में आग लग गई, पूरी ईख जल गई है बिल्कुल, और वहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। अब मुझे भी पता नहीं ये है किसकी, धू धू के जल गई यार। विमल मुझे ये बता, ये ईख में आग लग गई ना, मूड़ा फुकरा, मूड़ा मूड़ा फुकरा, खत्म। मैं कह रहा ईख में आग लग गई, अभी इसमें इतनी तेज आ गई, मैंने इसका ब्लॉग बना लिया, मूड़ा फुकरा। मस्त आ रहा, देखे व्यू इतना बढ़िया आ रहा गाइस। सच में मैं इतना सैड हो गया था अभी, मतलब इतना दुखी हो रहा था, मैं सोच रहा था वो आग लग गई है। अब मुझे बताया विमल, सॉरी मुझे विमल ने बताया अभी क्या हो रहा है। विमल ये मूड़ा फुकरा, मूड़ा, मूड़ा फुकरा है जो ईख की जो पत्ती होती है, वो ईख की पत्ती जो होती है ना, मुझे पता है, ऐसा तो मुझे पता है, लेकिन मैं सोच रहा हमें दो जगह आग, पता दो जगह, एक जगह इधर आग दिखाई, एक जगह वहाँ, कहाँ पे वो फुकरा मूड़ा। अभी दिखा रहा हूँ तुम्हें, रुको उस कोने पे आपको मैं दिखा दूँ, वहाँ पर भी मूड़ा ही फुकरा, मैं उसे भी दिखा रहा था, मैंने कहा वहाँ पे भी आग लग गई। बड़े हरामी हो बेटा। और यहाँ से हमारे खेत भी दिख रहे हैं ना विमल, देखो हमारे घर के पीछे क्या हरियाली है, ऐसा लग रहा है कहीं, बढ़िया लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। भाई शाम का टाइम हो रहा है और 7 बज गए गाँव में, देखो अभी भी दिन है, सनसेट हो रहा है उधर। और मैं इधर दिखा दूँ आपको, उधर देखो मतलब जो शाम वाला सूरज है वो तो गया नीचे जो भी है, और देखो इधर से दूसरा वाला उग रहा है, ये देखो कितना मस्त आ रहा ना गोल गोल। ब्लॉग देखने से पहले लाइक जरूर करो अगर गांव। तो गाइस अब हम, मैं और पापा हैं सामान लेने, तो दाल भी लेनी है यहाँ से, है पापा लेनी है ना। पापा को आवाज ही ना रही, आयो अंदर, शर्माओ मत पापा, इतने शर्मा क्यों रहे हो। नमकीन ले लो, कोई सी भी ले लो, जो भी आपको खानी है, बिस्किट ले लो, चाय के साथ मांगो फिर सुबह। ये लो एक लहसुन गार्लिक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, वहीं रख दो, मम्मी सब्जी में डालेंगी इसे। और ये गाइस मैंने पापा के लिए लिए सारी दालें मिक्स। और गाइस फिर पापा की शॉपिंग के बाद मम्मी को लगी शॉपिंग की, कि कान्हा जी के मुकुट लाने हैं, उनके अंडर गारमेंट्स लाने हैं और उनके कपड़े लाने हैं। ऐसे तो ये मैंने आज ही देखे हैं, पोटली वाले तो। देखो भगवान जी भी अच्छे अच्छे ना, देख लो सब सब चीज की तस्वीर है, सारा चंदन वगैरह सब। मम्मी ये है, मम्मी ये है बत्ती। हाँ हाँ मम्मी शॉपिंग, हाँ बहुत प्यारे हैं ये, देखो कितने सुंदर सुंदर है। हाँ। ये कितने कितने के हैं पूछो भैया, कितने कितने के हैं।
तो गाइस फाइनली मैं निकल गया अपने दोस्तों के साथ जागरण में, आदेश के यहाँ पर था, जागरण मेरा फ्रेंड था। मम्मी और पापा को शॉपिंग कराने के बाद मैं सीधा गया जागरण में और बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, इतने प्यारे प्यारे भजन सुने, बहुत अच्छा लगा। रामणी को डराना क्या कहना, अगली बार चाचा जी जब कहूंगा एक बार कह दो जय श्री राम। ऐसे नहीं, सनातन का जगह है, सनातन की है हम, एक बार छोटा जयकर जय श्री राम। ऐसा जयकारा लग जाओ पड़ोसी खाट में सोपे धम से नीचे कर जाए, पता पड़ जाए कसाना जी का प्रोग्राम शुरू हो गया, कह दो जय श्री राम। ये बात क्योंकि बंदे बोलने को दी जवा तू बोल, भक्त सिंदूर छोला चलाते अपनी मन की मुरादें पूरी करते हैं। दिन तो सात है लेकिन मंगल बार का दिन ही क्यों प्यारा है बालाजी महाराज को, हाँ जी कोई बताए? नहीं पता, सुनिएगा। मंगल को जन्म मंगल ही करते, बाबा का जन्म हुआ मंगलवार को हुआ, इसलिए मंगल के दिन अति विधि है बाबा को। मंगल को जन्म मंगल ही करते, तो गाइस राधा कृष्ण ने हमारे लगाया इतना ज्यादा कलर कि हमारे तीनों का चारों का भूत बना दिया। सामान कौन वाली थे सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, आइए धर्मपत्नी के बार बार कहने पर अपने बचपन के मित्र भगवान श्याम से मिलने गरीबी से बुरा हाल न चाहते हुए करीब श्री सुदामा जी आइए अपने बचपन। और गाइस मेरे दोस्त के घर क्या मस्त चूल्हा बना हुआ है। छः बजे पहुंच रहे हैं घर अपना अपना हलवा लेके, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही है ना, थकावट नहीं हुई है बिल्कुल भी। गाइस जीतू और सीटू तो सो गए हैं, दोनों ही सो गए और मैं कर रहा हूँ अभी योगा छत पे क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, उसके बाद सोऊंगा मैं नहाने के बाद। तो गाइस ब्लॉग का करते हैं यही एंड, अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट।